जनाब शहरियार और जनाब मोहम्मद अलवी पेश हैं। इनके अलावा एक बहुत अहम शायर यहाँ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मति है कि उन्होंने इस मुशायरे में शिरकत करने की रजाबंदी दी और हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन शायरों को भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से सुनेंगे कि जिस तरह आप दीगर आम मुशायरों के शोरा को सुनते हैं। डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान ने दर्स व तदरीस और उर्दू से वाबस्ता जो तालीमी सतह की बात की है, उस ताल्लुक से मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहूँगा कि एकेडमी के महदूद वसाइल को सामने रखते हुए ये जो जैजेंटिक और नामक टास्क है, गालिबन हम उसको माली सतह पर पूरा न कर सकें। ताहम एकेडमी, इस एकेडमी ने बैकडोर संभालने के बाद उन तमाम हुक्काम से कि जो उर्दू तालीम से जुड़े हुए हैं राबता कायम किया है, और जहाँ जहाँ उर्दू तालीम के मसाइल हैं उन मसाइल को न सिर्फ उन हुक्काम को बल्कि वज़ीर आला और गवर्नर और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की है और उसके कुछ नतायज भी बरामद हुए हैं। क्योंकि तालीम का मसला हुकूमत का मसला है और उर्दू तालीम का मसला भी उतना ही अहम है जितना कि कन्नड़ तालीम या अंग्रेजी तालीम का मसला है। और चूंकि उर्दू दा हजरात भी टैक्स पेयर्स हैं, हमारा हक बनता है कि हुकूमत उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करे कि जो तालीम से मुंसलिक। तो मेरा ज़ोर और इस अकेडमी का ज़ोर इस बात पर होगा कि हुकूमत ने जो कानूनी तौर पर जो मराद कागजी सतह पर जो दे रखी है उसका निफाज मुकम्मल सतह पर हो, और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कोशिश भी की है कि आइंदा साल एकेडमी को ज़्यादा बजट दिया जाए। अगर ज़्यादा बजट दिया जाए तो उस बजट में से कुछ हिस्सा हम इस पर ज़रूर मुख्तस करेंगे। फिलहाल हमने ये किया कि प्राइमरी, सानवी और कॉलेज की सतह पर तमाम रियासत में मुकाबले के हमने किया हैं कराए हैं ताकि तलबा में और टीचर्स में कुछ जुस्सा उर्दू के फ़रोग के ताल्लुक से पैदा हो। इसी ताल्लुक की कड़ी यह है कि हमने तमाम अजला में कोऑर्डिनेटर्स उर्दू के मुकर्रर किए हैं, न सिर्फ ये बल्कि ताल्लुका सतह पर भी हमने लोगों को का तारीन क्या है कि वो उर्दू के तमाम सूरत हाल का जायज़ा लें अपने अपने इलाकों में और जो कुछ उनसे हो सके वो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुशायरा कामयाब रहेगा और आप तमाम इस मुशायरे से महसूस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन मोहतरम कलील मामून साहब ने जिन बातों का इजहार किया है, अगर वो बाए तकमील तक पहुँच जाएँ तो इस ज़बान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा कारामद साबित होगा। शायद इन्हीं बातों को निगाह में रखते हुए